Hey guys, I'm back. Welcome to my channel. My name is Amla. Sabhi kaise hain aap sab bade honge. So in today's video, I'm going to be talking about Himalaya anti hair fall cream. So, Himalaya anti hair fall cream मैं almost एक महीने से apply कर रही हूँ. मुझे difference नजर आया मेरे बालों में. ये hair health actually improve करता है, hair fall reduce करता है. Hair health को तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी hair health काफी improve हो गई जब से मैंने इसको apply करना शुरू किया है. इसमें पड़ा है भृंगराज आमला जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होता है. क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये 100 ml का टब है, 80 रुपीज़ में मिलता है. मुझे लगता है कि बजट के मामले में हिमालय ने ये बहुत ही बेस्ट काम किया कि ये क्रीम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बजट में है. अगर आप कोई भी दूसरे हेयर क्रीम्स में या हेयर मास्क में इन्वेस्ट करेंगे, आपको कोई भी 500-600 से कम की नहीं मिलती है. अगर आप एकदम बजटरी परचेज देख रहे हैं तो मुझे लगता है हिमालय का ये एंटी हेयर फॉल क्रीम बेस्ट है. सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे प्रोडक्ट शेयर करूँ जो हर कोई आसानी से खरीद सके. दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब 80 रुपीज़ में आपको 100 ml मिलता है. क्वांटिटी काफ़ी सही है. इसको ये लोग बोलते हैं कि एज अ प्री वॉश या पोस्ट वॉश दोनों की तरफ लगाया जा सकता है, लेकिन प्री वॉश की तरह ही मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे हेयर पहले से ही स्ट्रेट हैं तो ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो लीव इन क्रीम की तरह मैं इसको लगा नहीं सकती हूँ. इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बटरी है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देता है. इन्होंने डायरेक्शंस मेंशन किए हैं कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम फ्रॉम रूट टू टिप, मसाज जेंटली ऑन योर स्कैल्प यूजिंग योर फिंगर्स, स्प्रेड द क्रीम इवनली फॉर बेटर रिजल्ट, यूज इट डेली बिफोर और आफ्टर हेयर वॉश. सो बिफोर एंड आफ्टर हेयर वॉश इन्होंने जैसे कहा है डेली प्लस. सो डेली तो कोई भी शैम्पू नहीं करता है, डेली आपको बाल धोने भी नहीं चाहिए बिकॉज उससे नेचुरल हेयर ऑयल्स ट्रिप हो जाते हैं. सो अगर आप ऑल्टरनेट डेज हेयर वॉश करते हैं तो मुझे लगता है वीक में अगर ये 2 से 3 बार यूज़ करेंगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा. प्लस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं या कर्ली हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो आप इसको एज अ लीव इन क्रीम भी लगा सकते हैं. मैं नहीं लगाती हूँ जैसे मैंने कहा. अप्लाई करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है तो आप देख लीजिए ज़रूर. हिमालय एंटी हेयर फॉल क्रीम का टब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 80 रुपीज़ में 100 ml क्वांटिटी मिलती है आपको. पैकेजिंग आई वुड से काफ़ी सही है. एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा स्लीव रहता है अंदर, उसको आप हटाएंगे तो आपको क्रीम नज़र आएगा. बाटर बेस्ड क्रीम है. इसको मैं लगाना शुरू करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं फिंगर टिप पर लगा के. फ्रेग्रेंस मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई, काफ़ी सही फ्रेग्रेंस है. एक एक स्ट्रैंड में आप उठा के प्रॉपरली मसाज कीजिए. मसाजिंग से क्या होगा, ये प्रॉपरली आपके बालों में पेनिट्रेट कर जाएगा और अच्छी खासी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स आपके बालों को मिलेंगे. मैंने बहुत ही रफली काम किया, रैंडमली मैं अपने हेयर स्ट्रैंड कहीं से भी उठा के उस पर क्रीम लगा रही हूँ. इससे क्या ढंग से अपने बालों में क्रीम स्प्रेड नहीं होती. अगर आप एकदम बिहाइंड सेक्शन से शुरू करते हैं अगर क्रीम लगाना, दैट इज़ एक्चुअली द राइट वे ऑफ एप्लीकेशन. मैंने बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी में काम किया है इसलिए मैंने रैंडमली कहीं कहीं से भी हेयर उठा के क्रीम लगा दी है. बट आप चाहिए तो ध्यान से पीछे से शुरू करके एंड देन आप अपने हेयर के टॉप क्राउन एरिया पे भर सकते हैं, जिससे क्या क्रीम आप प्रॉपरली हेयर पे लगा पाएंगे. सो पूरे हेयर पे क्रीम लगा लेनी है आपने. एंड हेयर टिप्स होती हैं वो ज़्यादा ड्राई होती हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मैंने क्रीम यहाँ पर अप्लाई की, जिससे उनको बिकॉज मोर मॉइस्चर की ज़रूरत होती है. सो इसलिए मैंने क्रीम अपने रूट्स पे भरी लगाई हो या ना लगाई हो, लेकिन मैंने टिप्स पे बहुत अच्छे से भर भर के लगाई है. एंड प्रॉपरली मेरे क्रीम अप्लाई हो जाने के बाद उसको मैंने रूट्स पे स्कैल्प पे ढंग से मसाज किया. प्लस ये आपको तब तक मसाज करनी है जब तक ये टोटली ब्लेंड इन ना हो जाए. जैसे अप्लाई हो जाएगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, एकदम लगेगा जिसने आपने ऑयल लगाया. इसके बाद मैंने एक हुड डाल दिया है सर पे, जिस क्योंकि मैं इसको हीट दूंगी ड्रायर से. हीट से आपके क्यूटिकल्स ओपन अप हो जाते हैं और जो भी क्रीम आपने यूज़ की है वो मॉइस्चर पूरा उसके सीप इन कर जाता है. तो अगर आपके पोरोसिटी बहुत ही कम है अगर बालों की, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए. अगर आपकी हाई पोरोसिटी है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट हर कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं. ये स्टेप करने के बाद अब मैं बस बालों को ढंग से अगेन थोड़ा मसाज कर रही हूँ रफली. एंड प्रॉपरली मसाज करने के बाद आप इसको 1 घंटे और छोड़ के वॉश कर दीजिए. फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने ब्रिल क्रीम का हेयर क्रीम कभी भी यूज़ किया है तो सेम फ्रेग्रेंस है एंड ठीक ठाक है. मतलब आफ्टर हेयर वॉश भी आपके बालों में रहता है तो फ्रेग्रेंस ठीक, मॉइस्चराइज रखता है, मैनेजेबल बनाता है, स्मूथ एंड सॉफ्ट कर देता है. देख सकते हैं मेरे हेयर, मेरे हिसाब से ये क्रीम बहुत सही है, आप ले सकते हैं. और 1 एप्लीकेशन से ही आपको डिफरेंस पता चलेगा अपने बालों में. अगर आपके बाल नॉर्मली बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आपको एकदम ही फर्स्ट एप्लीकेशन में ही एकदम नोटिसेबल चेंज नज़र आएगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स धीरे धीरे पता चलेंगे, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा आपका. लेकिन 1 टाइम में एकदम आपका कुछ भी एकदम हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ तो वो नहीं रखनी चाहिए कभी भी, मैंने कहा है. सो मेरे हिसाब से बहुत सही है, ऑन बजट है, 80 रुपये में कुछ नहीं मिलने का आज के ज़माने में. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. सो मेरे हिसाब से इट्स अ फैब. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पर मैंने लॉरियल स्मूथ इंटेंस स्मूदिंग सीरम के बारे में बातें की हैं, प्लस सीरम आपको करेक्ट वे में कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेंगी. सो आई विल सी यू देयर. बाय बाय.